डॉक्टर के पास आने के बाद से अब फिर ये देखो अब कल छोला भटूरा ले लेंगे खाने के लिए। ये तैयार हो गए हैं फंक्शन में जाने के लिए। इन्हें हो रहा है दर्द और मैं बनने जा रहा हूँ दर्द की दवा। जा रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करने की जो अच्छा हो। वैसे तो मैं भगवान के दरबार में वैसे कम जाता हूँ लेकिन जा रहा हूँ मैं आज। जो होगा सो अच्छा होगा, चिंता मत करो। जब तक कुछ हो नहीं होता मैं उधर ही रहूंगा भगवान के पास। लेकिन देखते हैं, वो गए हैं, पूजा है बगल में ही, तो 5 मिनट के लिए गए हैं बस, और फिर आएंगे वो। आज तो घर का फंक्शन भी मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, ये हालात हो गए हैं मेरे। घर में फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन है और मैं घर में बैठी हुई हूँ। सब पूरी फैमिली वहाँ पे है फंक्शन में और मैं यहाँ पे अकेले बैठे हुए बस किसी तरह इंतज़ार कर रही हूँ, टाइम गुजार रही हूँ मैं। सच में अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को खुद मैंने भेजा, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं उन्हें भेजी, मैंने बोला आप जाओ पूजा में शामिल हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी मेरी तबीयत ठीक है तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं रात में क्या कंडीशन होता है क्या नहीं होता, मुझे भी नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फाइनल, आज फाइनल, आज फाइनल, लेकिन देखते हैं क्या भगवान की क्या मर्ज़ी है आज कल, या क्योंकि घर में फंक्शन भी है और वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं फंक्शन में नहीं जा पा रही हूँ, और कल का भी मुझे डाउट ही हो रहा है कि कल मैं जा पाऊँगी या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये हमें खुद नहीं पता है। या हो, बस आप लोग अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए। जितना हो सकेगा मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, सारी चीज़ें अपलोड करूँगी, और आप लोग वेट करना कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है उसके लिए। मुझे खुद बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उस पल का, देखते हैं बाकी। यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, सो हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही थी। अभी आवाज़ पूरी क्लियर नहीं मिल रही होगी आप लोगों को, लेकिन प्लीज़ मैनेज करना आप लोग। बताओ आंटी को क्या होगा? ये ना हमेशा बोलती थी मेरा भाई आएगा, और ये हमेशा बोलती थी मेरी बहन आएगी। अच्छा बाद में क्या आएगा बताओ? यहाँ रात के 11 बज रहे थे और अचानक मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। गाड़ी वगैरह आ गई थी, मुझे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन सब लोग जो हैं वो हेल्प किए और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। कोई नहीं, आप ले, मैं नाम बता रहा हूँ उनके डॉक्टर के बस। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इंटरनल चेकअप किया गया और फिर जो सारा प्रोसेस होता है वो किया गया। पहले बच्चे के हार्ट बीट जानने के लिए वो मशीन लगाई जाती है वो लगाई गई, फिर ड्रेस वगैरह चेंज किया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर हुई।
और फिर उसके बाद वेट करने के लिए कहा गया, देखते हैं क्या कंडीशन होती है। तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। मशीन वगैरह जो भी है वो लगा दी गई थी, ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दिया गया था, और बॉटल लगानी थी क्योंकि इसमें पेन वगैरह और सारी चीज़ें जो होती है वो इंक्रीज़ करने के लिए। तो बस हम वेट ही कर रहे थे सब लोग मिल करके। तो यहाँ पर ड्रिप वगैरह लगाया जा रहा था क्योंकि एक जगह ड्रिप नहीं लगानी थी, और वो सबसे ज़्यादा ये था कि नर्व्स नहीं मिल रही थी मेरी। तो नर्स जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह नर्व्स मिल जाए और फिर वो ड्रिप लगाए। तो पहले तो दोनों हाथ से ब्लड लिया गया, हेमोग्लोबिन और कई सारे टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में जब फाइनली नर्व्स मिला तो फिर उन्होंने ड्रिप लगाया। बहुत मुश्किल हुई, 2-3 बार मतलब मुझे तकलीफ़ हुई। और यहाँ पर दीदी बार बार पूछ रही थी कि उसका नर्स क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी परेशान हो रही थी। तो नर्स बोली कि बैठ जाइए, सब कुछ ठीक होगा। ऑक्सीजन दीदी को देख लो, ये टेंशन में है आज। ऑक्सीजन लगा दी है ना नाक में, पता नहीं क्यों लगाई है नाक में। अभी नहीं भेजूंगी, लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, तुरंत आओ, तुरंत हो गया चले जाओ घर। ये सब कुछ ना लगे, ये सब फालतू वाली चीजें, ये सब तो लगेगा ही। तब तक दुर्वासा ऋषि के लगे जाएगा, दुर्वासा ऋषि के लगे जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा ठीक हो, पेन थोड़ा सा ठीक हो। हस्बैंड भी बेचारे रात भर ये सोए नहीं, जगे हुए थे मेरे पास, बैठे हुए थे कि कब क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन बिगड़ जाए, क्या कुछ हो, इसके लिए वो बैठे हुए थे। फिर उसके बाद भाभी आ गई मिलने के लिए मुझसे। आपके पास पैसा का कोई मतलब नहीं है, तो लगे तो पैसा तो आपके पास बहुत होगा, आएगा जाएगा। तो सुबह के 5 बज गए हैं और अभी मैं वेट ही कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। रात को 11 बजे लाए थे, सुबह के 9 बज रहे हैं। दर्द वैसे ही है, पेन वैसे ही है, डॉक्टर आए नहीं है।
डॉक्टर के आने के बाद पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सुबह 10:30-11 बजे के करीब ऊटी में ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो बस यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। बस सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बस वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जा रहा था और यहाँ पर बस अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।